जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कतरे सुलमानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चुटारों पर। आज हरिपुरे दे नौजवान ना तू सच्चा के इना पहाड़ों पे एक आवाज बुलंद करो, आज तुसी अपनी आवाज आ पड़ो। मैं कदे भी ये प्रोग्राम्स बिच इना बिच मैचेस होंदे ने या मैं ना आंदी हुंदी इना प्रोग्राम्स बिच, मैं क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप लानी आ, अपने लोगों की खिदमत करनी आ, मैं उसा ज्यादा हमेशा तरजीह दीती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में शहबाज शरीफ साहब ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। मैं अपना थोड़ा जा तारफ तां करासा, एक ते मैं समाजी शख्सियत जरूर हाँ लेकिन एक सियासी रंग भी है वे कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हज़ारा डिवीजन की प्रेजिडेंट हाँ और स्पेशल कोआर्डीनेटर टू मरियम नवाज साहिबा हज़ारा डिवीजन तो, और तीसरी मुस्लिम डॉक्टर्स फोरम की सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हाँ। जिस टाइम शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू होए तो हर जिले में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू होया है, और उस टाइम पर उन्होंने कुछ फैसले किए कि हर यूनियन कौंसल में एक स्टेडियम दिता जुलसी वो अल्लाह तक वो प्रोग्राम, क्योंकि बिचों निगरान हुकूमत हम चली गई है तो इंशाल्लाह मियाँ साहब दोबारा इस धरती उत्ते कदम रखे है, शेर दोबारा भाड़े है तो इंशाल्लाह बेहतरीन फैसले कहन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह अखाड़े में उतरसी एक दिन। मैं आज सिर्फ इस मैदान में मेरा आने का मतलब ये है कि मैं इन नौजवानों को एहसास देना चाहनी हाँ जिस ते वो मुस्तैक ने, असा दे नौजवान हमेशा पीछे छोड़ा गया। ये जे अखाड़े जी नहीं लगने चाहिए ने, ये जे अखाड़े वास्ते सोने मैदान बनने चाहिए ने। असा दिया रीतां ने असी बटे चाहने, असी इस धरती के नौजवान अगर बटे चाहते ने अखाड़िया में जो कुश्तियां करते हैं तो उन्होंने बेहतरीन किस्म के मैदान होने चाहिए। मैं अजाई हाँ तो मेरा थोड़ा दिल भी खफा होया है लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिता तो इंशाल्लाह मैं इस किस्म दिया जितिया भी एक्टिविटीज़ ने उन्होंने बेहतरीन काम करने की कोशिश कर सा। भाओ मेरे इस मैदान में जितने खलते दो मसीटा किन्ने का कोई शौक नहीं ने। मैं एक आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमाडोर की बेटी हाँ, मैं इन पहाड़ों उत्ते चढ़ के जिस वक्त जुल के लोगों की खिदमत करनी है तो मैं उन्होंने एहसास हाँ भी समझ के आनी हाँ। मैं 2011 में फाइनल ईयर MBBS में ही हाँ, मैं उस वक्त मेडिकल कैंप्स लानी हाँ, सिर्फ हज़ारा डिवीजन में ही नहीं मैं पूरे KPK में लाए, मैं सैलाब में लोगों के जुल की खिदमत की। मैं उस दौर में देखा है कि इंसान किस किस्म का मोहताज होता है लेकिन अज इस अखाड़े में यकीन करो आके मैं महसूस होया कि अजिहा मैदान में भी आके अपने इन नौजवानों के सिरों पर हथ रखे जुले तो बेहतरीन किस्म के नतज महसूस असा वसूल हो सो, क्योंकि ये नौजवान ने वातना का भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, का भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुलमानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चुटारों पर। आज हरिपुरे दे नौजवान ना तू सच्चा के इना पहाड़ों बिच एक आवाज बुलंद करो, आज तुसी अपनी आवाज आ पड़ो, अपने हकूक आप हासिल करो। बस असी लोग और अपने हकूक वजी जंग लड़सा, मैं किसी पार्टी की हिमायत करके तो सदा की जंग लड़ो, अपने हकूक की जंग लड़ो। तो सानिया जरूरियात के ने, तो साने किस पीछे खल के नारे मारने, ये फैसला तो साने और करना है, और नारे किस हद तक तुसा नाल चल सुन इस तो फैसला तुसा दा अपना सी। वोट का हक जिस वक्त तुसी अदा कर सो ते अपने हकूक छीन के किनो अगले को लो, लेकिन ऐलान किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 5% जुड़ा औरतों की एक कोटा अप्लाई किया, पार्टी रिजर्व सीट भी चाहते सी। लेकिन यह लड़ाई मेरी नहीं, ये हर नौजवान की लड़ाई है, हर औरत की लड़ाई है, हर बुजुर्ग की लड़ाई है, हर बच्चे की लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, तुसा दी लड़ाई है, जिहड़ी तुसा लड़नी है।
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਔਰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣੂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਟ ਤੇ ਆਈ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਸੀ ਔਰ ਯਸ਼ਫਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਸੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੇ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾ ਸੋਣੇ ਭੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਸੀ ਇਹ ਜੇ ਅਖਾੜਿਆ ਬਾਤ ਕਰਾਓ ਇਹ ਭੈਣ ਮਰਦਾ ਵਗੜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਿਆ ਆ ਜਰੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕਬਲ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਭੈਣੂ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਇਹ ਭੈਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ ਪੇਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਗੋ ਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਾਕਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੀਤਾਂ ਚ ਲਾਸੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਖਾੜੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਜਾਸੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਪ ਸੋਣ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚਲਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਲਤੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਇਹ ਭੈਣ ਤੁਸਾਂ ਸਲਾਮ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਗੂੰਜ ਉਠਾਉਣ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ